कैसा लगा कैफे? बहुत अच्छा। बताया क्या खाया? तो गाइस अभी हम ट्राई करने वाले हैं हमारी कावासाकी ड्रिंक, तो लेट्स ट्राई दिस। हमारा पास्ता आ चुका है। सो गाइस मैंने रेटिंग दे दी, आप देख सकते हो मैंने आई थिंक सबको। वेलकम टू तरुण खुराना व्लॉग्स, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हूँ पिट स्टॉप कैफे, आप देख सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। जितने भी हमारे राइडर्स हैं, जितने भी ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, जिनको बाइक का शौक है और जिनको भी ऐसे अमेजिंग टॉयज़ का शौक है, वो यहाँ तो आने चाहिए। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर ट्राई करने, तो आपको पूरा लुक एंड फील देंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, मैं डेली वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज हम कैफ़े के अंदर आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैसी सिटिंग अरेंजमेंट है। तो ये है हमारा बाहर का सिटिंग एरिया और ये यहाँ पे है हमारी, ओ माय गॉड, ZX14R निंजा। वाओ, लुक एट दिस मैन, दिस इज़ अमेजिंग। वाओ, दिस इज़ द थर्ड फास्टेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। ओह, सो गाइज अब हम आ चुके हैं पिट स्टॉप की मेन एंट्रेंस से, जहाँ पे हम अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लाइटिंग दी गई है नीचे, और मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे है पिट स्टॉप का जो मेन लोगो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड इसको देख के काफ़ी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। अब चलते हैं कैफ़े के अंदर, लेट्स गो एंड एंजॉय। हम पिट स्टॉप कैफ़े में तो बैठ चुके हैं और काफ़ी अमेजिंग एम्बियंस है यहाँ पे, और मतलब आई एम रियली लाइकिंग द वाइब। अब हम यहाँ पे फूड ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे है और कुछ खाना तो बनता है, तो वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि क्या अच्छे से हम ट्राई कर सकते हैं। जो आपको बताया ना, ये मैंडरिन कॉफ़ी। थैंक यू। सो हमने ऑर्डर किया है आला मामा रोसा, जो कि है वो पिंक सॉस पास्ता, और उन्होंने बोला वो यहाँ का बहुत स्पेशल है, अच्छा है, तो ये हमने ऑर्डर किया है। और साथ में हमने किया है यहाँ की मैंडरिन कॉफ़ी, जो बहुत स्पेशल है। आई थिंक वो ऑरेंज स्लाइस के साथ आती है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया, तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? यार काफ़ी बढ़िया वाइब है, मतलब मैं कब से ट्राई करना चाह रहा था ये पिट स्टॉप कैफ़े, और हम आ गए हैं यहाँ पे। मतलब इट्स लुकिंग वेरी इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल वाइब है। जो देसी कैफ़े होते हैं, मतलब हम देख चुके हैं डेकोरेशंस और खाना पीना, मतलब जो होता है जिसमें फूल पत्तियाँ लगी होती हैं, वो बात अलग है। बट दिस कैफ़े हैव अ डिफरेंट वाइब, तो खाने के साथ साथ कुछ और भी। हाँ, मतलब यू कैन चेक इट आउट यार, मतलब अगर हम बाइक पर आए होते यहाँ पर तो बहुत अलग वाइब होती, बट आई एम लाइकिंग इट। तो वंश कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आपको बता, मेरी तो फेवरेट है बाइक्स। हाँ वही, तभी तो मैं आपको ये लेकर आया हूँ यहाँ पर। हाँ वही मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जितना तेरा यहाँ पे मतलब मन था आने का, और तेरे को बाइक्स का जितना शौक है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा। और मतलब बेस्ट चीज़ क्या लग रही है यहाँ पे? बाइक्स। या मतलब आई कैन सी दैट। सी मैन, भाई बाइक्स, लेदर जैकेट्स, गियर्स, सारी चीज़ें। सो गाइज अभी यहाँ पे जो हमने ऑर्डर किया था वो नहीं था, बट हमने उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ की बहुत ही अमेजिंग मतलब ड्रिंक है, जिसका नाम है कावासाकी। और वंश ये वाली, या तो
वंश ने सीधा मेन्यू में घुसा दिया आपको, तो यहाँ की बहुत कह रहे रिफ्रेशिंग है एंड विजुअली भी अच्छी है, टेस्ट वाइज भी अच्छी है, तो हमने सोचा कि वही ऑर्डर कर देते हैं। तो अभी हमने मंगाई है कावासाकी एंड आला मामा रोसा। सो ये हमारी कावासाकी ड्रिंक आ चुकी है, लुक एट दिस, सो रिफ्रेशिंग। कावासाकी ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। Hello, this is representing Kawasaki, to be honest. Matching to the bike and even the feel is so amazing. मतलब देख के ही ऐसे dual connection वाली feel आ रही है इसको देख के। तो guys, अभी हम try करने वाले हमारी Kawasaki drink. तो let's try this. और इसके साथ हमारा straw है, तो let's make this. Wow, this is refreshing. एंड पल्प आया मुँह में, वो काफ़ी अलग टेस्ट दे रहा है एंड दोनों का मिक्सचर पता चल रहा है, क्रैनबेरी और जो किवी है इसके अंदर। दिस इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन आई मस्ट से, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस ड्रिंक कि आप अगर पिट स्टॉप आ रहे हैं तो ये ड्रिंक तो आपको पीनी है। मंशा आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? पल्प है, हल्की सी मीठी है थोड़ी, बहुत अच्छी है। तो हमारा पास्ता आ चुका है। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग डूड, लुक एट द क्रीमीनेस, द गार्लिक ब्रेड एंड द ड्रेसिंग, फुल पॉइंट्स फॉर द प्रेजेंटेशन। अब टेस्ट देखते हैं इसका कैसा होगा। तभी भी अपने गलत चम्मच लिया, वो ड्रिंक के साथ का था। मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया पास्ता को देख के, तो ये बहुत 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 टेस्टी है, बहुत क्रीमी है। आई लाइक इट। वंस तू ट्राई कर, तू पागल हो जाएगा। कैसा है? बहुत अच्छा। गाइस अभी यहाँ पे कर रहा है हर्ष भी आया है, और हर्ष अभी इसके अंदर दिख नहीं रहा है, बट वंश ने मेरे को बताया वो कौन है, तो अभी इनसे मिलते हैं अगर हो सकता है तो। सो गाइस वंश ने मेरे को बोला हर्ष से बात करने के लिए, पर हर्ष को कैसे जा रहा है? वंश कौन है? वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर हर्ष, तो ये रहा यूट्यूबर हर्ष और वंश। क्या बात करूँ मैं, कुछ भी कर। सो गाइस, मैं तरुण को अभी डेयर दे रहा हूँ कि वो जाके हर्ष से बात करके आए। मैं क्या बात करूँगा वंश, कुछ भी करो, मैं आपके ब्लॉग के लिए करवा रहा हूँ, आपके ब्लॉग की रीच जाएगी इससे। वंश पर मैं उनसे क्या जाके बात करूँ? कुछ भी करो, बोलो उसके बारे में कि मैं आपको देखता हूँ, मेरा जो मेरे साथ है छोटा भाई वो देखता है आपको। तो उसने स्पेशली मुझे बोला कि एक बार आपसे मिलना है, तो कैन वी कवर यू? चल ठीक है, आई विल ट्राई। सो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया, वाइब इन्जॉय कर ली, तो नाउ हमें मिला है फीडबैक फॉर्म, एंड मेरी तरफ से तो अच्छा ही फीडबैक रहेगा क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फूड वाज नाइस, एम्बियंस वाज ग्रेट। सो अभी ये जो फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक, तो इसको हम फिल करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको क्या रेटिंग दी, और मैं आपको ये तो बताऊँ कि हमारा बिल कितना आया। तो हमने दो चीज़ें ऑर्डर करी थी, ठीक है, एक था हमारा आला मामा रोसा और एक था हमारा कावासाकी। तो क्या मैं दिख रहा हूँ इस वीडियो में या आपने? यस, यू आर दिखिंग। तो हमारा बिल आया है 651 rupees, और आई थिंक डिसेंट इनफ, और फिलहाल फीडबैक फॉर्म भरते हैं। Few moments later. So guys, मैंने रेटिंग दे दी, आप देख सकते हो मैंने आई थिंक सबको 5-5-5-5-5 दिया है, क्योंकि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा यार, मेरे को ना वाइब में मज़ा आ गया एक्चुअली, और फूड भी वाइब के साथ और ज़्यादा टेस्टी लगा, तो मैंने इसको 5 out of 5 दिया है यहाँ पे, एंड आई लव्ड इट। आप भी आ सकते हैं, एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है ना ऐसे व्लॉग्स देखने, तो मुझे रिकमेंड करना कि मैं और कौन सी जगह जा सकता हूँ जहाँ का व्लॉग आपको देखना है। एंड यस, तो बिल पे करते हैं और उसके बाद वंश वाला डेयर पूरा करते हैं। सो हम कावासाकी शोरूम में तो आ गए, वंश ने मेरे को डेयर दिया था, अब पीछे हर्ष खड़ा है, मेरे को बोलना है कि वंश से बात कर लो। वंश, आर यू हैप्पी नाउ? जाओ खड़े हो जाओ साथ में। कैसा लगा कैफे? बहुत अच्छा। बताया क्या खाया वहाँ? कावासाकी ड्रिंक, यस, बहुत बढ़िया।
फाइनली यू मेट हर्ष एंड हमने बाकी कैफे भी एक्सप्लोर कर लिया. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया. ऐसी मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ. अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स करना, कमेंट करना एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करना ताकि मैं डेली वीडियोस मेरी देख सको. तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में. तरुण पुराना साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.